Hello children, how are you all? I hope you all are fit and fine and enjoy, full of enjoy at your home. Myself Dimple Patel from LP Savani Vidya Bhavan, Standard 1st, Subject EVS. Today we are going to start our new chapter, chapter number 1, My Neighborhood. Kids, you know what is the meaning of neighbors? नेबर्स किसको बोलते हैं? द पीपल लिविंग नियर आर हाउस आर आर नेबर्स, जो हमारे हाउस के आसपास सराउंडिंग एरिया नियर बाय फ्रंट एंड बैक्स आजू बाजू में जो रहते हैं उनको बोलते हैं नेबर्स. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेबरहुड? नेबरहुड किसको बोलते हैं? सो वी आर डिस्कस इन दिस चैप्टर our neighborhood. The place around our house and the people living and working there from our neighborhood. Means हमारे house के nearby surrounding area में जो important places है और जहाँ पे बहुत सारे person रहते हैं, बहुत सारे person walk करते हैं, उनको बोलते हैं neighborhood. The people living near our house are our neighbors. मैंने बोला ना, जो हमारे हाउस के नियर, हमारे हाउस के पास जो रहते हैं उनको बोलते हैं नेबर्स. नेबर्स हेल्प अस एंड प्ले विथ अस. नेबर ऑलवेज हमें हेल्प करते हैं और हमारे साथ, यानी नेबर्स के जो किड्स होते हैं वो हमारे साथ प्ले करते हैं. वी शुड बी काइंड टू आर नेबर्स. हमें ऑलवेज उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? अच्छा बिहेव करना चाहिए. हमारे आजू बाजू में जो आंटी अंकल्स रहते हैं तो उनके साथ हमें ऑलवेज बिहेव अच्छा करना चाहिए, बिकॉज नेबर्स जो है वो हमें बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. कभी भी हमें इमरजेंसी हुई, कोई वर्क इमरजेंसी कोई वर्क आ गया, तो सबसे पहले हम लोग नेबर्स की हेल्प ले सकते हैं. सो we should be kind to our neighbors and we should always keep our neighborhood clean. Yes, important point is there. हमें हमारे neighborhood clean रखना चाहिए. Like हमारी जो surrounding area में जो important places है वो हमें always neat and clean रखना चाहिए. We shall now learn about some important places in our neighborhood. Now हम discuss करेंगे हमारे nearby जो important places है neighborhood, यानी important surrounding, हमारे house के surrounding area में जो important places है वो discuss करेंगे one by one. First is school. School is the place where we learn to read and write. It is very important to have a school in every neighborhood. School जो place है वहाँ पे हम learn कर सकते हैं, read कर सकते हैं and writing कर सकते हैं. It is very important to have a school in every neighborhood. हमारे house के nearby, हमारे house के surrounding area में school होना बहुत ही important है, because स्कूल में हम बहुत सारी न्यू स्किल्स डेवलप करते हैं, बहुत सारे न्यू थिंग्स जो लर्न करते हैं. देन वी ऑल्सो गेट टू लर्न न्यू स्किल्स, हैव फन एट स्कूल. हम बहुत कुछ न्यू स्किल्स सीखते हैं, देन बहुत सारा एन्जॉयमेंट हम हमारे फ्रेंड्स के साथ, टीचर के साथ स्कूल में करते हैं. सो स्कूल इज़ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस. अगर हमारे सराउंडिंग एरिया में अगर स्कूल नहीं होती तो क्या होता? बहुत ही प्रॉब्लम आ सकता है ना. हम लोग स्टडी नहीं कर पाते, बहुत डिस्टेंस में हमें स्कूल जाना पड़ता है. इसीलिए सराउंडिंग एरिया में स्कूल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है. नाउ नेक्स्ट इज हॉस्पिटल. अ हॉस्पिटल इज अ प्लेस where sick people are treated by
डॉक्टर्स। हॉस्पिटल एक ऐसी प्लेस है वहाँ पे बीमार पर्सन डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं। एवरी नेबरहुड शुड हैव अ हॉस्पिटल। हरेक नेबर हरेक प्लेस पे हॉस्पिटल होना इम्पॉर्टेंट है। देर आर नर्सेस एंड अदर हॉस्पिटल वर्कर्स। हॉस्पिटल में कौन कौन वर्क करते हैं डॉक्टर्स के अलावा? नर्सेस एंड बहुत सारे वर्कर्स जो है वो हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। हु हेल्प अस सिक इन हॉस्पिटल। जो पर्सन बीमार पर्सन की हेल्प करते हैं, लाइक हॉस्पिटल हमारे नियर बाय होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस। वी गेट स्टैम्प्स पोस्ट कार्ड एंड एनवेलप्स इन द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में आपको क्या क्या मिलता है? स्टैम्प्स पोस्ट कार्ड एंड एनवेलप्स। देयर इज अ पोस्ट ऑफिस इन ऑलमोस्ट एवरी लोकेलिटी इन अ टाउन और अ सिटी। आपको पोस्ट ऑफिस हर एक गांव में हर एक सिटी में आपको देखने को मिलती है। अ पोस्टमैन कलेक्ट आर लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड डिलीवर देम एट आर हाउस। पोस्टमैन क्या करता है? पोस्टमैन सारे लेटर्स को कलेक्ट करके जहाँ पे हमें डिलीवर करना है वहाँ पे उनके हाउस में वो लेटर्स को पहुँचाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पोलिस स्टेशन। अ पोलिस स्टेशन इज अ प्लेस वेयर पोलिसमैन वर्क। पोलिस स्टेशन में कौन वर्क करते हैं? पोलिसमैन। द पोलिसमैन प्रोटेक्ट आर नेबरहुड फ्रॉम थीव्स एंड कीप इट सेव। पोलिसमैन का वर्क कौन सा है? पोलिसमैन थीव्स मीन्स चोर को पकड़ के चोर से हमें बचा के हमें सेफ रखते हैं। सो पोलिस स्टेशन इट इज अ इम्पॉर्टेंट प्लेस टू नियर अब आर हाउस। पोलिस स्टेशन होना बहुत ही जरूरी है। पुलिसमैन हमारी सबसे बड़ी हेल्प करते हैं, करते हैं कि नहीं? थीव्स को पकड़ के, है ना? ओके, नेक्स्ट इज रेलवे स्टेशन। अ रेलवे स्टेशन इज अ प्लेस वेयर पीपल गेट ऑन एंड ऑफ ट्रेन्स। रेलवे स्टेशन वो ऐसे प्लेस है जहाँ पे ट्रेन आती भी है और जहाँ से ट्रेन जाती भी है। वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हीयर। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स डिफरेंट डिफरेंट पीपल भी है। पोर्टर्स हेल्प पीपल कैरी देयर लगेज टू ट्रेन और आउट ऑफ द ट्रेन। यहाँ पे आपको पोर्टर्स यानी कुली भी देखने को मिलेंगे। वो क्या करते हैं? ट्रेन में से हमारे लगेज को बाहर भी लेके आते हैं और अगर हमें हमारे लगेज को ट्रेन में रखना है तो वो भी हेल्प हमें करते हैं। और भी बहुत सारी थिंग्स है जो हम रेलवे स्टेशन पे देखते हैं। यू नो चिल्ड्रन? यस, वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हियर लाइक वेंडर्स। बहुत सारे पीपल्स हम यहाँ पे देखते हैं लाइक वेंडर्स, सेल फ्रूट्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टी, कॉफी एंड सो ऑन सो एट द रेलवे स्टेशन। ये जो सारे पर्सन है वो भी रेलवे स्टेशन में देखते हैं कि नहीं? आप लोगों ने देखा है रेलवे स्टेशन? यस, वेरी गुड। तो रेलवे स्टेशन भी हमारे एरिया में होना इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। नाउ नेक्स्ट इज फायर स्टेशन। अ फायर स्टेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस। वी कॉल द फायर स्टेशन व्हेन There is a fire accident. Fire station वो भी एक important place है। जब fire बड़ी आग लग जाती है तो हम लोग fire station call करते हैं ना? Then firemen put out fire. Firemen आके सब fire को put out करते हैं। They come in a special vehicle. वो किस में आते हैं?
बस में आते हैं, ऑटो में आते हैं? नो, टेक अम इन अ स्पेशल व्हीकल कॉल द फायर इंजन. वो जिसमें आते हैं वो व्हीकल को हम फायर इंजन बोलते हैं. एंड दे सेव पीपल कैच इन अ फायर. वो लोग कौन सा वर्क करते हैं? फायर को पुट आउट करते हैं. देन यस, पीपल को सेव करते हैं फायर में से. सो फायर स्टेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस. नाउ नेक्स्ट इज सुपरमार्केट. अ सुपरमार्केट इज अ लार्ज स्टोर दैट सेल अ वेरियस ऑफ फूड एंड हाउसहोल्ड आइटम्स. सुपरमार्केट एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है. सुपरमार्केट एक बिग स्टोर है जहाँ पे हाउसहोल्ड थिंग्स की सारी आइटम्स अवेलेबल होती है. वहाँ पे फूड्स, देन वेजीज, फिश, फ्लावर, क्लोथ्स, ग्रोसरीज एंड सो ऑन एट सुपरमार्केट. बहुत सारे थिंग्स सुपरमार्केट में एक साथ हमें अवेलेबल होती है. तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्लेस. नाउ नेक्स्ट इज पार्क. वी ऑल लाइक टू स्पेंड टाइम इन अ पार्क. पार्क प्रोवाइड स्पेस फॉर पीपल इन द नेबरहुड टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर. यस, हम सबको पार्क में टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है. या तो फिर चिल्ड्रन हो, एल्डर पर्सन हो, ग्रैंड पेरेंट हो, पेरेंट है, यंगर ब्रदर सिस्टर, सबको है ना, सबको पार्क में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है. पार्क प्रोवाइड स्पेस फॉर पीपल इन द नेबरहुड टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर. पार्क में बहुत बड़ी प्लेस होती है, स्पेस होती है. वहाँ पे एक दूसरे के साथ हम न्यू पर्सन्स के साथ हम इंटरेक्ट भी कर सकते हैं. यानी जहाँ पे रेस्ट टाइम, रेस्ट करने के लिए, रिलैक्स होने के लिए बैठे हैं, तो बहुत सारे पर्सन्स हमारे साथ होते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं. देन क्या कर सकते हैं? सम पीपल विजिट पार्क एवरी डे फॉर रिलैक्सेशन एंड फ्रेश एयर. बहुत सारे पर्सन्स को हैबिट होती है एवरी डे विजिट करने की गार्डन में, पार्क की, है ना. वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं? रिलैक्स फील करते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, देन एक्सरसाइज भी करते हैं. वी लाइक टू प्ले इन अ पार्क. वी लाइक टू प्ले इन अ पार्क ना, अच्छा लगता है ना पार्क में प्ले करना. यस, वेरी गुड. ओके, सो मैनी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस आर देयर इन आर नेबरहुड. कितने हमने इम्पॉर्टेंट प्लेसेस देखे? स्कूल, देन हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन एंड फायर स्टेशन, सुपरमार्केट, पार्क्स. वेरी गुड. आई होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड ऑल टॉपिक्स एंड यू वॉच दिस वीडियो एंड एन्जॉय दिस वीडियो. Thank you and goodbye children. Take care. Stay home. Safe it. Bye all of you.